अरे बाप रे, जम के माल भरा हुआ है। कौन सा, ये बैगन का है या आलू भी है? मतलब टपक रहा है भाई साहब। 80 रुपए वसूल। या करना निकल गया, देख बस 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 निकल गया, निकल गया। थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। तुझे भी हो नहीं है, खाने की बात ही खा लेती। अच्छा मिर्ची लग रही थी ना इसमें, देखो आम कितने लटक रहे हैं, बाप रे तोड़ भी नहीं सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस कविता गंगवार एंड आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी शाम से स्टार्ट हो रहा है, सुबह से पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, काम ही में लगे हैं आजकल तो सब। और मैंने अभी कर ली थी सोयाबीन की तैयारी, देखो पूरी, वहां चॉपर भी चलाना था और ये लोग सारा खाना बाहर से ले आए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं सारे ब्लॉग मम्मी को बैठा के दिखाने वाली हूँ। दिखाएगी तो तेरे को मिलेगा नहीं खाना। अभी मैं खा लूंगी, मम्मी बाद में देंगी। तो ये लोग लिट्टी चोखा ले आए, नूडल्स भी ले आए, और हाँ दो ही चीज आई है, और आइसक्रीम का डब्बा आया है। अब बताओ लिट्टी चोखा और नूडल्स खा के किसको भूख लगेगी, कौन खाएगा मेरी सोयाबीन? कल खा लेंगे। हो लिट्टी चोखा कहाँ मिली आज आपको? पीछा में नई दुकान खुली है, वहीं से लाए। अच्छा सही है, वरना यहाँ पे ना मतलब ऐसा टेस्टी सा नहीं मिलता, बकवास सा तो मिलता ही है, वो कौन ही खाएगा। तो आज देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ मैंने सब्जी भी बनने रख दी है साथ साथ, मतलब मसाला पक रहा है, और ये बड़ी फ्राई कर दी, ज़्यादा हो गई है, मेरे को अंदाजा नहीं आया था। और यहाँ पे ये सब अनबॉक्स कर लिया, लिट्टी चोखा, नूडल्स, चटनी, और ये है मोमो वाली चटनी। इट्स टाइम टू टेस्ट। तुम भी गरम गरम खा लो, तुम काय को मुंह सड़ा के बैठी हो, तुम्हारा काम आ गया होगा। कैसा लगा? तुम नूडल्स खा रही हो, इसमें विनेगर पड़ा होगा दीदी। लिट्टी खाई किसी ने, कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी, लाओ मैं टेस्ट करूं, मुझे तुम लोगों के टेस्ट पे भरोसा नहीं है। तुम्हारी आई नहीं है? कैसे नहीं आई है, चार आई है, कौन कौन खाएगा? दो पापा, दो बेटा। नूडल्स, घटिया नूडल्स हैं। अरे बाप रे, जम के माल भरा हुआ है। कौन सा, ये बैगन का है या आलू भी है? बैगन आलू मिक्स होता है शायद। फिलिंग बहुत अच्छे से भरी है, मुंह नहीं खुल रहा है। अच्छा है, गॉट इट है, आई नो, नया खुला। चाचा ने ऐड लगाया था, मुझे भी याद आया, तभी उनका भी ऐड होगा, देखना घी भी डाल के दिया है। मैंने एक्स्ट्रा डलवाया था। है डाल दिया? हाँ। तुम भी खा लो, फिर ठंडे जाएंगे। ओके। क्लोज अप, टपक रहा है भाई साहब। 80 रुपए वसूल। तुझे भी हो नहीं है, एक के बाद एक चीज अभी खाई, लिट्टी चोखा और अभी आइसक्रीम खाने बैठ गई। मिर्ची लगी ना खा के, खाने के बाद ही खा लेती, और मुझे तो लग नहीं रहा है कि कोई खाना खाएगा। क्यों? क्यों? ला मुझे भी खिला देती। तेरी भी नियत आ रही है इसमें। मुझे क्या पता ही चल रहा है। बाय द वे मेरी मेहंदी देखिए आप, मैंने मम्मी की लगाई थी, अपने भी चित कबरा कर दिया, और ये हाथी बनाया है बिना पूछ का हाथी, और ये सूंड नहीं है, सूंडा है। इतनी मोटी, और आगे भी मैंने हाथी बनाने की कोशिश करी, मुझे आती नहीं है, लगानी पता नहीं क्या करती रहती हूँ, पर ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है इस उंगली का। है ना? बिल्कुल। क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू डाई। और ये पजामे भी क्या करा है, गिरा ली है। इसमें देखो आम कितने लटक रहे हैं, बाप रे तोड़ भी नहीं सकते। देखने दे। उनके आम चुरा लेंगे। तो आज सुबह हम नहीं जा पाए थे घूमने, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पेन था मेरी बैक पे,
इसलिए दीदी भी नहीं गई, मैं भी नहीं गई। तो अभी हमको स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं आफ्टर ईटिंग नूडल्स, लिट्टी चोखा, रोटी। पहले ये खाओ फिर स्टेप्स कंप्लीट करो। ये घूमते टाइम में मम्मी की याद बड़ी आती है। हम जैसे जब दीदी होती है, मैं होती हूँ और मम्मी भी होती हैं, तो ये टाइम हमारा दांत फाड़ने का होता है, सिर्फ गॉसिप करने का, हम तीनों माँ बेटी का। और इतनी हंसी आती है, पता नहीं अननेसेसरी बातों पे हंसी आती है हम लोगों को। तो अभी मम्मी की याद आ रही है थोड़ी सी। 3 दिन ही हुए अभी, तो बतेरे दिन है भैया, 5-6 दिन है। 29 को आएंगी ना शायद। वेटिंग वहाँ पे घूम रही है वो, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, पर हमें यहाँ पे याद आ रही है। आ गए घूम के करीबन अभी मैं जाऊँ, आधे घंटे बाद मनीषा से बात करूंगी अभी। अरे कितना चिल्ला रहे हो, मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हुए अभी। नाक में पानी आ जाएगा। ऐसा दे तो चल दिया, 10,000 स्टेप क्यों नहीं हुए अभी तक? नहीं हुए ना, 3,000 पे अटक गए। 3,000 नहीं, 4,000 पे। आज सुबह नहीं गए ना इसलिए नहीं हुए, वरना तो हो जाते। ऑफिस में तो हमें पता भी चलता, इतना चल लेती हूँ कि आराम से 10,000 हो जाते हैं। इतना चले, इतनी हालत खराब हो गई तब भी 10,000 होने का नाम नहीं। अब जाके आराम करेंगे। ये तो इसकी तो फ्रेंड का फोन आया, ये अभी भी बात करेगी। इसमें खड़े होने की हिम्मत कैसे पता नहीं, मेरे भी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आके सो जाऊंगी घोड़े बेच के। अब मैं पस लूंगी, इतना पसीना आ रहा है। गंदे हाथ मत लगाना, गंदे हाथ मत लगाना, जो काम मैंने करके। तो अब मिलूंगी कल। हमारी गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है और अभी दीदी लड्डू को उठा रही है, नहा दोगे? मेरा नहाना बाकी रह गया है, ये देखो उठा कैसे रही है। ये उठ गए, अब नहाएंगे। लोग सुबह सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैं आज कर रही हूँ यहाँ पे घी का काम, घी निकालने का। मम्मी देके गई थी, इसे बहुत दिनों से पेंडिंग है, पापा ने आधा कर दिया है, मैं तो सिर्फ अभी कर रही हूँ क्योंकि आ नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया है। जाएगा गर्म पानी, ठंडा पड़ता है तो पता नहीं, ठंडा पड़ता है पापा। अरे इसमें ना बर्फ डालो, बर्फ बर्फ डालने से हो जाता है। मैंने ना YouTube पे ही किसी रील में देखा था कि बर्फ डालने से दाओ, देखते हैं कि काम करता नहीं करता। भाई साहब थक गए। मैंने तुम लोगों को बस बोला कि मैंने देखा था, तुम लोगों ने मान लिया अगर नहीं निकली हो। लेकिन निकल जाएगा। करना निकल गया, देख बस 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 निकल गया, निकल गया। जल्दी थोड़ी जल्दी 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 जल्दी। दिस ट्रिक वर्क्स। निकलाओ। हाँ। कहाँ काम कर? अरे निकला ना, देख ना उसका मट्ठा अलग हो गया। अच्छा वैसे ही निकलता है। गाइस दिस इज द ट्रिप टिप फ्रॉम माय एंड। ओके 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 ओके, समझ लिया। आपको बहुत नॉलेज, आपको तो हर बात की नॉलेज है। किसका है ये ठहलो? हम साथ। हाँ वो कहते हैं आपको तो हर बात की नॉलेज है। अब पढ़ी जाओगी? भूल जाओ। अब इन्हें से कल रात ना बहुत वोल्टेज अप डाउन हो रही थी, तो पूरी रात एसी नहीं चला, और अब शायद चिमनी का भी बैंड बज गया है। अभी दीदी ने चला के देखी थी क्योंकि अभी वोल्टेज सही आई तो चिमनी चल नहीं रही है। एक और टेंशन। अब पापा चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं हमसे, वरना फिर बुलाएंगे इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन को है तो वारंटी पे। अभी मेरे रामू से चेक करवा लेंगे।